येस गुड मॉर्निंग एवरी वन ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंडबल तो चलिए चार और पांच तारीख के करंट अफेयर्स हम लोग शुरू करते हैं आई होप आई एम लेट मी नो चार और पांच तारीख शनिवार और रविवार का करंट अफेयर्स हमें आज देखना है और आज का करंट अफेयर्स हम आज शाम को देखेंगे लेट इन द इवनिंग सो लेट स्टार्ट ऑफ जैसे कि आपको पता है संडे को द हिंदू में साइंस एंड टेक और इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट न्यूज पब्लिश होते हैं दैट मेक्स द हिंदू न्यूज पेपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑन संडेज तो आइए आज का पूरा फोकस रहेगा इकोलॉजी इन्वायरमेंट के ऊपर लेकिन इकोनॉमी और आई के भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज पब्लिश हुए हैं एंड प्लीज पुट इट द टेलीग्राम ग्रुप दैट द सेशन हैज बिगन तो चलिए शुरू करते हैं देखते हैं हम लोग सेशन चार और पांच तारीख के करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स एक्सप्रेस के सेशन में मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आई एस टॉपर्स मंत्रा की तरफ से एंड uh, करंट अफेयर्स में जैसा कि आपको पता है का मतलब होता है न्यूज टेक आउट ट्वेंटी थर्टी वर्ड्स इंटरलिंक इट इन वेरियस मींस एंसर राइटिंग टू गेट सम प्लस वन प्लस टू मार्क्स Also, full -fledged question approach. अगर कोई फुल फ्लजेड क्वेश्चन आ सकता है सवाल देखेंगे क्योंकि मैंग्रोव के ऊपर लॉकेट किया गया है एंड थर्ड थ्री सिक्सटी डिग्री अप्रोच इट इज फॉर द्स टू सी द बैकग्राउंड ऑफ द न्यूज तो चलिए लेट्स बिगिन ऑफ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूट आई एस टॉपर्स मंत्राज लॉन्च सक्षम एंड संकल्प

जिसको भी एनरोल करना है देखिए सक्षम के, के, का फीस केवल सिक्स मंथ्स का फिफ्टीन थाउजेंड है और संकट सीरीज का आठ हजार पांच सौ है इसमें इंक्लूडेड है सक्षम में ये। और जिसको भी कुछ डाउट्स है दिस ऑल इज दिस प्रारंभ डॉट लाइव वेब पेज अभी लॉन्च किया गया है और इसी हफ्ते इसी हफ्ते मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएगा एवरीथिंग इज सेट सो so, उसके बाद आप एक्सेस कर पाइएगा और उस पर फ्री क्लासेस का भी कंसेप्ट रहेगा और पेड कोर्सेस का भी कंसेप्ट रहेगा जिनको भी कुछ डाउट्स एंड क्लैरिफिकेशन करने हैं डाउट्स के इन मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं आठ तीन दो नौ छ तीन सात शून्य नौ चार सात शून्य तीन आठ, आठ आठ नौ नौ चार तीन आठ एंड सात दो सात तीन सात शून्य नौ चार तो आर ऑल ऑफ यू रेडी स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन ऑफ

न्यूज कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है न्यू बैचेस विल बी कमिंग अप फ्रॉम ऑनवर्ड्स और जिनको प्रीवियस बैचेस का कुछ भी आ, दिस वीडियो लेक्चर्स चाहिए होंगे आप लोग एनरोलमेंट कर सकते हैं जैसे ही मोबाइल ऐप लॉन्च होगा अभी भी आप एनरोलमेंट कर सकते हैं अपॉन द वेब पेज न्यू बैचेस विल बी कमिंग अप फ्रॉम मे ऑनवर्ड्स एंड उसके लिए आप मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लीजिए पहले से तो चलिए कुंथन बर्ड बार हेडेड का न्यूज है मंगोलिया में टैग किया गया था जियो टैगिंग क्या होता है मुझे बताएगा कोई व्हाट इज जियो जियो टैगिंग जीव टैगिंग एक नया कंसेप्ट है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में अगर कोई स्पेसिफिक स्पीसीज लगता है कि उसकी संख्या कम होती चली जा रही है सो तो टू स्पेसिफिकली लोकेट द स्पीसीज और टू लोकेट इट्स माइग्रेटरी पैटर्न स्पेसिफिकली बर्ड्स के लिए उनको जियो टैगिंग किया जाता है इट्स सिंपली द सेम थिंग एज आप गूगल मैप का इस्तेमाल करते हैं एंड वैसे जीपीएस चिप्स लगा दिए जाते हैं इन बर्ड्स के ऊपर टाइगर के ऊपर भी लगाया गया था चार साल पहले इंडिया में और मध्य प्रदेश बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू रेडियो टैग पैंगोलिन पैंगोलिन सुना है आपने पैंगोलिन एक विशेष जानवर होता है कांटेदार पूरा स्केल्स भरे होते हैं दो प्रकार के पैंगस होते हैं चाइनीज पैंगोलिन और एक इंडियन पैंगोलिन छोटा सा जानवर होता है और चीची खोर कहते हैं उसे एंट ईटर इट ईट्स एंट उसकी भी संख्या कम हो रही है तो पैंगोलिन टाइगर बर्ड्स इन सब का जियो टैगिंग होता है और इसी में देखिए बार हेडेड गोल्स ये देखिए इस बर्ड को कहते हैं ये पाया जाता है साइबेरिया में और साइबेरिया के आसपास के रीजन में रशिया है मंगोलिया मंगोलिया इज अ लैंडलॉक्ट कंट्री आई होप यू नो अब इट मंगोलिया कहां पर लोकेटेड है एशिया में रशिया और चाइना के बीच में मंगोलिया के बारे में अगर कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे हिसाब से एक सबसे स्पेसिफिक डेजर्ट है गोभी डेजर्ट वहीं पर है लोकेटेड देख लीजिए आप लोग मैप में गोभी डेजर्ट यस और वहीं से चंगेज खान दंग ग्रेट मंगोल है लोग फॉलो करते हैं हंटिंग गैदरिंग एंड ट्रांस्यूमेंस ट्रांस्यूमेंस पता है आप लोगों को ट्रांस्यूमेंस का मतलब होता है भेड़ बकरी या ऊंट रखकर घोड़ा रखकर या याक रखकर सीजनल माइग्रेशन विद देम इंडिया में भी ये किया जाता है ये गद्दी बकरवल्स एंड गुज्जर करते हैं हिमाचल प्रदेश हरियाणा और उत्तराखंड के बेल्ट में सीजनल माइग्रेशन होता है बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन ठंडे के समय ये लोग आ जाते हैं प्लेन्स में और गर्मी के मौसम में दे गो इन दिल्स ट्रांस ह्यूमे दिस पैटर्न इज नोन एज और वहीं पे ये यह गीज मंगोलिया में पाया जा रहा है मंगोलिया एक और चीज के लिए फेमस है वर्ल्ड का सबसे वर्ल्ड का सबसे लीस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मंगोलिया का है जनसंख्या घनत्व आपने ये वर्ड सुना है द नंबर ऑफ पीपल लिविंग पर स्क्वायर किलोमीटर इट्स टू पीपल ओनली पर स्क्वायर किलोमीटर और इंडिया में आप समझ सकते हैं कितनी कितनी पॉपुलेशन है डेंसिटी दो लोग तो कहीं भी मिल जाएंगे नहीं ठीक है चलिए तो स्टूडेंट्स बारह देखिए इन द डिस्ट्रिक्ट साउथ इंडिया का सबसे बड़ा वेटलैंड है और ये रामसार साइट है इंडिया का इसे लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स द साउथ एशिया ज वन ऑफ द आईकनिक वेंटर माइग्रेटरी बर्ड स्पीस एट कुंथन बर्ड सेंचुरी मार्क कर लीजिएगा <laughs> कैरी आउट करते हैं देखिए ट्रांस्यूमेंस हो या हंटिंग गैदरिंग हो यह तब कैरी आउट किया जाता है जब ईल्ड जमीन का बहुत कम होता है आउटपुट एग्री कर रहे हैं ना आप लोग आप घूमते कब है जब एक जगह पर मिल रह कर चीजें नहीं मिलती हैं

ये देखिए बहुत ऊंचे ऊंची उड़ान भरता है इससे कुछ सीख मिलती है जीवन में ऊंची उड़ान भरने की आप लोग भी सेट कर लीजिए इस माइंड में दैट ऊंची उड़ान ही भरनी है जीवन में तो क्या ये सेंचुरी याद रहेगा ये सबसे बड़ा बर्ड सेंचुरी है साउथ एशिया का दक्षिण साउथ इंडिया का सॉरी एंड इट्स रामसार साइट इसे याद रखिएगा आइए आगे, आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स सेकंड न्यूज आज का इजी नेक ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ये देखिए ये हैं कुछ बहुत सुंदर पक्षी ग्रेट इंडियन बस्टार्ज कहते हैं इसे ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है ये कभी इंडिया का नेशनल बर्ड बनने की रेस में था लेकिन फिर पीकॉक वॉज मेड द इंडियन नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया और उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस कम हो गया मैं बता दूं ये ग्रासलैंड्स ग्रासलैंड्स का हैबिटेट में रहता है मींस राजस्थान रन ऑफ कच्छ और मध्य प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा अगर मुझसे कहिएगा कि सर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स कुछ नेम प्लेसेस के बताइए राइट फ्रॉम right जैसलमेर टिल भुज बेल्ट टिल रतलाम बेल्ट ये पहले इसका हब था इस पूरे बेल्ट में लेकिन अब इसकी संख्या कम होती जा रही है बहुत हैवी बर्ड है एक मीटर हाइट है अब मेरे मेरी हाइट लगभग पौने दो 1.86 मीटर्स है तो आप समझ सकते हैं एक मीटर हाइट कितना अच्छा खासा इट्स अ हेवी बर्ड वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स ये देखिए एंड इट्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसका ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है IUCN के टैग पर अब आप ये सर ये क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्यों है क्योंकि इसकी संख्या कम होती जा रही है नंबर्स हैव गॉन डाउन एंड नाउ हार्डली 85 इंडिविजुअल्स ऑफ GIVR में और 20 -30 भाग थे की तरफ। लेकिन पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब बेल्ट है उसमें एक चोलिस्तान करके डेजर्ट है उसमें ये चले गए थे ये लिख लीजिएगा स्टूडेंट्स। ज सतलज नदी के नीचे में यह डेजर्ट है सारा डेजर्ट का कंटिन्यूशन So the birds had gone. Yet uh, two months back, this news came up, and now what is this news talking about? This news is talking about that. This, these uh, great in Bastard, This, uh, the birds are now 85 of them are in only in one place: Desert National Park, Jaisalmer, Barmer, Rajasthan. Desert National Park. This is the same national park, where black bucks are coming. and black bucks Yadata remembered. Salu ka. ठीक है कि दास्तान ओके उस ब्लैक बक ने खुद को ही मार लिया नहीं चलिए आइए बढ़ते हैं ठीक है कोर्ट में यही प्रूव हुआ था लेट्स प्रोसीड नाउ देयर लास्ट हैबिटेट द डेजर्ट ये अब यही वही बात हो गई ना कि दे आर सिंह की चलो यार मैं हम लोग तुम लोग आते जा रहे हो हमारी जगह पर हम लोग चलते जा रहे हैं कहीं और अब डेजर्ट में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मस्त जाके वहां पर हम लोग रहेंगे लेकिन इंसान है डेजर्ट में भी नहीं छोड़ा इन्हें क्यों बिकॉज रन ऑफ कच एंड थर्ड इजर्ट आर हब्स ऑफ वेरी हाई सोलार एनर्जी जनरेशन एंड दिस इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोलार एंड विंड पावर जनरेशन इन दिस बेल्ट एंड स्टोरेज यूनिट ऑल्सो इन रन ऑफ कच इज इट गोइंग टू टेक अपर आउट अप ऑन दिस लैंड यस एंड जहां ये जनरेशन होगा पावर का क्या वहां पर पावर लाइन्स जाएंगी मुझे बताइए और ये पावर लाइन ही इनके लिए खतरे की घंटी है बिकॉज

That, यही न्यूज है यहां पर दमिटी है आपने देखा है भारत के शहरों की प्लानिंग क्या होता है प्लानिंग में मुझे बताया जाए पहले सड़क बनती है ठीक तो मस्त सड़क बनेगी पूरा सीमेंटेड 20 साल तक इसे कुछ नहीं होगा 30 साल तक उसके बाद आप जाइएगा विजिट कीजिएगा वहां इंजीनियर है पीएमसी के हैं, और उसके बाद चलता है कि क्या सड़क है खुद वो लोग बोलते हैं कि 20 साल तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोग यहाँ पे कैसे भी चली नेक्स्ट डे वही सड़क खुद जाती है डिगिंग हो जाता है क्यों अरे सर पानी का पाइप डालना भूल गए थे उसके बाद फिर से उसे ठीक किया फिर सर वायर डालने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नीचे से उसके बाद अंततः प्लानिंग इज लाइक दिस दैट वी एंड अप हैविंग अ अनप्लान्ड स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कंट्री एंड दिस क्लियरली सिग्निफाइज अनदर टाइप ऑफ सच स्टेप डोंट यू थिंक स्टूडेंट्स वी शुड हैव प्लानड अर्लियर फॉर दिस नहीं तो ये देखिए तो सीवर लाइन हो या पानी का लाइन हो या पावर लाइन हो ये तीनों में तीनों के कारण यहां पर ये देखिए इस

हमें नीचे तार डालने को ना कहा जाए बहुत पैसा लगेगा रिफ्लेक्टर का मतलब क्या होता है कि रोशनी से वो बर्ड डायरेक्शन मोड़ देगा लेकिन इट्स नॉट अ फुल प्रूफ मेजर। ये किए गए हैं बाकी जगहों पर बट इट्स नॉट अ फुल प्रूफ मेजर सो टेल मी व्हाट शुड बी डन ये लोग कह रहे हैं कि डेवलपमेंट भी जरूरी है ये लोग ये देखिए इस बर्ड्स को लेकर ये लोग कह रहे हैं कि कुछ लोगों की कुछ लोगों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कुछ लोगों को बलिदान देना पड़ेगा तभी डेवलपमेंट हो पाएगा मुझे बताइए कौन सही है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी सही है या ये लोग सही है जो रिफ्लेक्टर लगाने की बात कर रहे हैं मुझे बताइए आप लोग या वाय चलने वाई डिस्टर्ब हो रहा है और कुछ आप बताइए क्यों कौन सही और क्यों क्रिटिकल, क्रिटिकली इंडेंजर खत्म होने के केगार पे खड़े हैं ओके okay. अब, अब मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं अगर कोई ये कहेगा विकास करना है डेवलपमेंट करना है अपने परिवार के दो लोगों का बलिदान दे दो क्या कोई देगा इंडिया में मुझे बताइए जब नहीं देगा तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट इट फ्रॉम द बर्ड्स जर्नी दिस इज वेरी वेरी नेव कंसे कुछ लोगों को बलिदान देना आप ही अगर आप ही के मरने से डेवलपमेंट हो जाएगा तो आप मर जाओ आप क्यों दूसरे से बलिदान मांग रहे हो आई होपर दिस इज कंप्लीटली सेल्फ सेंट्रिक अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सो कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट नथिंग एल्स एक नाइन called, called uh, में एक क्लब ऑफ रोम सेटअप किया गया था देवर पेस्ट पीपल डेवलपमेंट इज अ वेरी वेरी मीन्स रॉन्ग वर्ड बिकॉज डेवलपमेंट के नाम पर आप सब कुछ गलत करते चले जाते हो क्लब ऑफ रोम ने कहा था कि अगर इसी हिसाब से चलता रहा सब कुछ तो एक ऐसा समय आएगा कि नाइनटीन नाइनटी फोर और दो हजार उन्चास नाइनटीन नाइनटी फोर एंड टू थाउजेंड फोर्टी नाइन के बीच में दब जीवन में कि कुछ भी करिए गलत ही आता है कर रहे हैं न? वही यहां पर हो रहा है अगर आज हम रिन्य क्लाइमेट चेंज गोल्स प्राप्त करने क्यों पंचामृत का दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा लेकिन उसका एंड रिजल्ट क्या हो रहा है बर्ड्स आर गोइंग एंड अगर ये चले जाएंगे तो इनके साथी हैं वो जिसे सलमान खान ने जाकर मारा था ब्लैक बक ये दोनों साथी रहते हैं यहीं पर कहते हैं कि देख इकोसिस्टम निश यू नो दिस कंसेन अगर ये खत्म हो जाएगा तो फूड चेन खत्म वहां पर फूड वेब खत्म और इसका एक और जगह था जहां पर नामीबिया से सोपल चीता आ गया है कहां पर

अरेंज करते हैं सब कुछ यहाँ ये रहेगा यहाँ रहेगा ऐसा रहेगा वैसा रहेगा नोट्स बाहर फेंक दो ठीक है ऐसा कर दो सब कुछ सेट हो गया कितना अच्छा लग रहा है क्या आपको अच्छा लगेगा मुझे बताइए नहीं आपको पता है कि वहां क्या जरूरत है इसलिए जब कोई बुरा स्टोरी जब पेरेंट्स एंटर करते हैं रूम में तो यू से दैट गो अवे हमें अपने हिसाब से रहने दीजिए नहीं तो यही कंसेप्टनो पालपुर से रतलाम के बेल्ट में एमपी गवर्नमेंट ने रिक्लेम किया क्यों एमपी गवर्नमेंट ने कहा यहाँ ग्रो होंगे दलहन कौन सा चना दाल एंड पहले वो हब था भी उस जगह पर तो वहां पर ग्रो करने के लिए जमीन रिक्लेम किया गया और तीन एनिमल्स बाहर वहां से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड करैकल मोस्ट इंपॉर्टेंट द ब्लैक बक्स ऑफ दिस रीजन व डिफरेंट फ्रॉम द ब्लैक बक्स ऑफ राजस्थान खत्म स्टूडेंट्स इंसान को दो बार सोच कर ही आगे बढ़ना चाहिए देखिए नाउ दिस बर्ड यू सी बर्डर्टर स्टॉप गैप सोल्यूशन लेट सी वॉट नॉट इन ऑफ दिसवर्टर इन इंडिया वी कान टेक मी अगर अंतिम अटैम्प्टे यूपीएससी का मुझे याद है मेरा अंतिम अटैम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट अगर यूपीएससी का तो क्या आप कोई रिस्क लेते हैं मुझे बताइए और अगर रिस्क लेते हैं तो आपके साथ जीवन ही रिस्क कर देता है कंप्लीट नहीं इसीलिए इस जगह पर रिस्क लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा इंडिया के लिए स्टेट बर्ड है कहां का राजस्थान का पहले पूरे डेक्कन में पाया जाता था महाराष्ट्र इंक्लूडिंग महाराष्ट्र एमपी सतपुड़ा रेंजेस के बॉर्डर पे इट वाज प्रेजेंट इन ह्यूज नंबर्स आज से केवल टू डिकेट्स बैक की बात बता रहे हैं सोचिए कहां से कहां नंबर आ गए नेक्स्ट मैमल्स लिविंग इन ग्रुप्स जनरली लिव ये छोटा सा साइबेट आता है द हिंदू को एंड uh, कह रहे हैं कि जो सात लोग रहते हैं ग्रुप में रहते हैं वो लोग ज्यादा जीते हैं ये बस एक स्टडी है कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है बस इससे क्रक्स निकाल लीजिए कि स्टडी भी ग्रुप में करना है थोड़ा सा तीन चार लोगों के साथ में ठीक है चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक संडे को क्या आया है स्टडी फाइंड थ्री डिफरेंट मिक्सर्स यूज फॉर एम्बामिंग अभी द टॉपिक ऑफ मोमिफिकेशन जो इजिप्ट में पाए गए हैं जो डेड बॉडीज पहले के राजाओं के उनको लेकर रिसर्च चल रहा है और बहुत इजिप्ट और यूके में इसको लेकर कॉन्ट्रोवर्सी भी की है इसी में ये नया वर्ड so, है डेड बॉडी विद स्पेशल इन ऑर्डर टू की गुड कंडीशन गेटिंग द पॉइंट सो जो ममीज हैं इजिप्ट में आर द इन गुड कंडीशन बिकॉज ऑफ समेटिव एड एट

something else being a reservoir for some virus what does it mean host okay so don't you think students being a reservoir it makes it dangerous for the humans to come closer to deer because i'm just giving you an example the swine flu virus which originated from mexico it originated from pigs swine It, the reservoir, the original reservoir was swine only वही होश भी था वही रिजर्वर भी था और वहीं से निकला वो क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स एथ कॉन्टेक्ट पिगरीज इंडस्ट्रीज में और वहीं से स्वाइन फ्लू निकलता है क्योंकि जो ह्यूमन फ्लू वायरस था और उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद नया स्वाइन फ्लू वायरस जनरेट हो गया बात समझ में आ रही है इट बिकेम डेडली एंड डेंजरस फॉर द ह्यूमन बींग्स आई होप यू एग्री विद मी

वायरस टू और देखिए लिखा हुआ है स्पिल ओवर इवेंट फ्रॉम ह्यूम टू डियर ऑफ द एल्फाइन डेल्टा इनजेस चला गया है उसमें हम लोग अपने खत्म करनी है उसमें जाकर रह रहा है अभी वायरस वापसी करेगा अडेप्ट करके बात समझ में आ रही है से ही गया है, ये कहां की बात है ये नॉर्थ अमेरिका की बात है वाइट टेल डियर ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन नॉर्थ अमेरिका विद एन एस्टीमेटेड थर्टी मिलियन पॉपुलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाइट डियर इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका लिख लीजिएगा Next न्यूज क्लाइमेट चेंज विद इंक्रीज हाइड्रो पावर जनरेशन क्या बात है क्लाइमेट चेंज से हाइड्रो पावर जनरेशन कैसे इंक्लूडेड है भाई कैसे इंपैक्ट पड़ेगा ये साइंस एंड टेक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है देखिए द हिंदू में साइंस एंड टेक का एक सेंट्रल पेज में ये आता है एक बड़ा सा आर्टिकल इस आर्टिकल में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है क्योंकि उसका क्रक्स यहां दिया रहता है अगर आप यह पढ़ लीजिएगा तो पूरा आर्टिकल पढ़ लिया इसे पूरा पढ़ना ही नहीं है यहां पर सफिशियंट इंफॉर्मेशन अगर के के लिए के लिए देखिएगा कुछ डेटा अगर इंपॉर्टेंट है विल टेक इट आउट नाउ यहां पर क्या पुटअप किया गया है टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स सो हाउ विल क्लाइमेट चेंज फ्यूल ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन इट्स बीइंग सेड दैट क्लाइमेट चेंज इज गोइंग टू गोइंग टू इंक्रीज द टेंपरेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर

क्लाइमेट चेंज का असर हाइड्रोपावर जनरेशन के ऊपर मुझे बोलिएगा मैं भी बना दूंगा क्या दिक्कत है ये क्लाइमेट चेंज राइजिंग टेम्परेचर राइजिंग एवेपोरेशन राइजिंग ह्यूमिडिटी ये देखिए राइजिंग रेनफॉल राइजिंग हाइड्रो पावर जनरेशन ये दो अप साइन जो है ना ये राइजिंग का है मीन इंक्रीजिंग लेकिन यह केवल अपने कॉपी में लिखिएगा एग्जाम में नहीं एग्जाम में सब सिम्बल यूज करने को सीधा ऊपर भेजेगा एग्जामिनर ठीक है ये डोंट यूज शॉर्ट फॉर्म इन द एग्जामेशन लेट मी टेल यू इंक्रीजिंग यूज द वर्ल्ड आई है ठीक है नॉर्थ अमेरिका में वाइट टेल डियर पाया जाता है भाई

भाकड़ा नंगाल प्रोजेक्ट देख लीजिए क्या यह सतलज रिवर के ऊपर है मिला चलमी सेंट्रल इंडिया बताइए मुझे जवाहर सागर कोटा बराज जवाहर सागर गांधी सागर और रिहंद प्रोजेक्ट एग्री कर रहे हैं रिहंद प्रोजेक्ट कौन सी नदी पे है रिहंद रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है रिवर सोन रिवर सोन किसकी ट्रिब्यूटरी है गंगा इसे याद रखिएगा ठीक है और साउथ इंडिया कोई को बताइए आपने पढ़ा हुआ है बहुत न्यूज में आया हुआ है पिछले दो तीन हफ्ते में कृष्णा रिवर के ऊपर नागार्जुन सागर श्री सैलम यस नागार्जुन सागर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो दिस लेट मी टेल यू दिस दिस होल डिस्कशन टेक्स इनटू अकाउंट ये डिस्कशन बता रहा है कि सेंट्रल इंडिया के एच पावर जनरेशन बढ़ेगा क्योंकि सेंट्रल इंडिया इज सीइंग इनक्रीज रेन्स इन द लास्ट टू थ्री इयर्स इन द कमिंग डेज एज कंपेयर टू नॉर्थ एंड साउथ इंडिया वेयर विल द एच पावर जनरेशन राइज अप इन सेंट्रल इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में कुछ डैम्स के नाम दिए गए यहां पर थोड़ा नोट कीजिएगा ओंकारेश्वर किसके ऊपर है रिवर नर्मदा महेश्वर रिवर नर्मदा देख लीजिएगा आई रिपीट ओंकारेश्वर महेश्वर उसके बाद श्री राम सागर श्री राम सागर इज इन इज ऑन रिवर गोदावरी इन निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश रिवर गोदावरी नेहरू जी ने इसको भी इनगनेट किया था आफ्टर भाखड़ा नंगाल प्रोजेक्ट श्री राम सागर निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश रिवर गोदावरी एंड कढ़ाना डैम कढ़ाना डैम के ए डी एन ए कढ़ाना डैम इज ऑन रिवर माही कहां पर है ये नदी गुजरात राइजिंग फ्रॉम मध्य प्रदेश डज इट कट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस देख लीजिए एक बार कटहाना डैम के ए डी ए एन ए लिख लीजिए स्टूडेंट्स ये चार डैम्स बहुत इंपॉर्टेंट देखिए नाम दिया है पेयर्स में आ सकता है कटहाना डैम इज ऑन रिवर माही रिवर माही इज स्टार्टिंग फ्रॉम एमपी गोइंग कटिंग अक्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कमिंग बैक इन गुजरात ंग टू गल्फ ऑफ खंबात ट्वाइस कटिंग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देख लीजिए इसके ऊपर एक और फेमस डैम है जमुनालाल बजाज सागर डैम रिवर माही के ऊपर मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स ओंकारेश्वर प्रोजेक्ट एंड महेश्वर प्रोजेक्ट रिवर नर्मदा सेकेंड श्री राम सागर प्रोजेक्ट श्री राम सागर गोदावरी निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड कढाना डैम के ए डी ए एन ए कढाना रिवर माही इज दिस क्लियर टेल मी स्टूडेंट्स सो दिस इज वेयर द इंक्रीज इज गोइंग टू हैपन आई रिपीट नाउ दैट मेक्स द रिवर्स ऑफ सेंट्रल इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल इंडिया के कुछ और रिवर्स बताइए जो विधि के आसपास से निकल रही हैं मुझे बताइए रिवर चंबल चंबल सिंध बितवा, केन, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर यमुना। एग्री कर रहे हैं उसके अलावा रिवर माही और साथ में रिवर चंबल की ट्रिब्यूटरी राजस्थान से आ रही है क्या नाम है बनास रिवर और इसके अलावा रिवर साबरमती कमिंग फ्रॉम अरावलीस जस्ट वेस्ट ऑफ रिवर माही यू कैन सी ट्र ड्रेनिंग इन गल्फ ऑफ खंबात एग्री टर्मी that makes all these rivers very very important Drainage of India is very important students by default so I suppose you got the crux of this news let's proceed ahead to the next news the students why have mangroves got a budget push the Hindu yesterday it was the main news <laughs> तो ये शिव सहाय सिंह जी ने यहां लिखा है कुछ कुछ देखिए देखा जाए क्या लिखते हैं सिलेबस बढ़ा दिया इन्होंने ठीक है मैंग्रोव्स को लेकर लेट सी मैंग्रोव कवर इन इंडिया ही टॉक्स अबाउट सर्टन थिंग्स अबाउट मैंग्रोव a great push in budget क्या कोई प्रोग्राम चालू किया गया क्या बजट में मैंग्रोव्स के लिए मिस्टी क्या उसका फुल फॉर्म है मिष्टी दही नहीं मिष्टी मिठाई नहीं मिष्टी का फुल फॉर्म क्या बताया जाए मुझे यस क्या बात है मैंग्रोव मैंग्रोव इनिशियटिवरलाइन एक्टेक्स एंड सोच लीजिए कितना सटीक नाम है भूल जाने वाला नहीं ठीक है शॉर्ट फॉर्म ही याद है उसका शोरलाइन स्टेबिलिटी के लिए भी और टैंजल इनकम्स के लिए भी यानी इकोलॉजी के लिए भी और इकोनॉमी के लिए भी बात समझ में आ रही है इनकम जनरेट भी करे और साथ में इकोलॉजी करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंग्रोवफुल होते हैं स्टूडेंट्स बताया जाए इंडिया ने यू ए के साथ मिलकर कुछ मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट लॉन्च किया था सीओपी ट्वेंटी सेवन में देखिये ये देखिए मैंग्रोव अलायंस और ये तो बहुत तेज है अरे सर कैसे तेज है सर आपको कैसे पता है इंडिया और तेज भाई तेजी आप पता नहीं किस वजह से है ये बना अक्टूबर में और इसे रिपोर्ट निकाल दिया जनवरी में और बढ़ गया आपका सिलेबस आइए देखते हैं रिपोर्ट के कुछ लेट्स सी मैंग्रोव के बारे में रिपोर्ट्स आई है देखिए देखा जाए ये देखिए ये वहीं से सब कुछ है उस रिपोर्ट से द वर्ल्ड ऑफ यू कैन सी हियर मैंग्रोव फॉरेस्ट आर फॉर्म बाय ट्रीज दैट हैव अडॉप्टेड टू लिव इन द दॉर्म इंटर टाइडल द वर्ल्ड इंटर टाइडल हाई टाइड लो टाइड जोन के बीच का एरिया इंटर टाइडल बेल्टेर वॉटर्स एंड आर टू सेट डाउन दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब ट्रॉपिकल बेल्ट में भी पाए जाते हैं इसे याद रखिएगा केवल ट्रॉपिकल नहीं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आर एक्सपेक्टेड दि सेम्स

चिल्का लेक यस ब्रैकिश वॉटर लैगून चिल्का लेक एशिया बिगेस्ट ब्रैकिश वॉटर लेक पता है ना आप लोगों को लेगून एंड शेल्टर्ड शोर्स जहां भी पानी काम हुआ तो तो थोड़ा घेर हो गया घेरा मीन घेरा लग गया वहां पर वहां पर ये ग्रो कर जाएंगे इसका मतलब साफ है इसे याद रखिएगा वाटर्स एंड जरा ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू द शोरलाइन ये देखिए मैंग्रोव कहां कहां पाए जाते हैं देख रहे हैं स्टूडेंट्स अच्छा खासा बेल्ट क्या यहीं पर है मुझे बताइए देखिए ये डार्क जहां जहां है वहां मैंग्रोव है देखिए इस बेल्ट में अफ्रीका में भी देखिए पाए जाते हैं देखिए यहां भी पाए जा रहे हैं लैटिन अमेरिका में देखिए स्टूडेंट्स एंड इवन नॉर्थ अमेरिका फ्लोरिडा डोनाल्ड ट्रंप के घर के पीछे में जो एस्टूरीज हैं और लेगून से वहां पाया जा रहा है देखिए इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विच ऑफ हैव मैंग्रोव्स नॉर्थ अमेरिका यस साउथ अमेरिका यस अफ्रीका यस एशिया यस ऑस्ट्रेलिया यस एंड रीजन यूरोप याद रखिए इसे देखिए यहां पर बकायदे मोजाम्बिक चैनल का देखिए आसपास देखिए मैंग्रोव से देखिए ग्रोथ दिखाया गया मोजाम्बिक चैनल कहां पर है मैटा और अफ्रीका के बीच में है क्या मुझे बताइए कौन सी रिवर ट्रेन करती है फटाफट बताया जाए मुझे रिवर रॉन्ग रिवर जाम्बेजी रिवर जाम्बेजी मार्क किया था आप लोगों ने ठीक है एंड ये देखिए पापुआ न्यू गिनी सोलोम आइलैंड क्या ये पता है आपको स्टूडेंट सोलोम आइलैंड कहां पर है टेल मी मेला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यस तो ये लोग देखिए रिपोर्ट निकाल दिए इतनी जल्दी इतनी जल्दी तैयारी भी नहीं होती यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर दी जल्दी से ये बता रहा है रिपोर्ट ये देखिए का क्या इम्पोर्टेंस देख सकते हैं आप स्टूडेंट्सिंग अपॉन लाइवलीहुड अपॉन दिम ऑल्सो एप्रीकल्चर हनी कलेक्शन एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सडन स्पेसिफिक क्रॉप आर ग्रो इन दिस बेल्ट स्पेसिफिक सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप अभी राइस दिया गया है चावल धान किसने दिया आई सी एर आई ए आर आई इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उसने रिसर्च करके सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप ग्रो कीजिए और खाना खाइए यहां पर क्या मस्त खाना मिलेगा नहीं कहां पर सुंदरबंश मैंग्रोव्स क्या इसके लिए भी जरूरी है मुझे बताइए कार्बन कैप्चर देखिए उसी रिपोर्ट का देखिए सब कुछ है यहां पर कार्बन कैप्चर एटलीस्ट फोर टाइम्स एंड एट मैक्स टेन टाइम्स द कार्बन कैप्चर ऑफ द टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट चार गुना कम से कम करते हैं ये कैप्चर ने बता ही दिया शोरलाइन स्टेबलाइजेशन निर्मला सीतारामन जी ने बता दिया मिस्टी नाम से ही ठीक है शोरलाइन स्टेबलाइज करेगा और, और क्या इंपॉर्टेंस है सुनामी से बचाएगा साइक्लोन से बचाएगा विंड से बचाएगा कर रहे हैं ये सब सात आठ पॉइंट याद कर लीजिएगा स्टूडेंट्स और शायद क्लाइमेट चेंज गोल इंडिया को हेल्प करेगा और जब क्लाइमेट चेंज गोल्ड इंडिया को हेल्प करेगा तो उसका दिस दिस एंड दैट दैट मींस लिंक कर लीजिएगा उसके बाद ग्लोबल इमेज इनहेंसमेंट इंडिया सुपर पावर जी जिनपिंग जलने लगा ब्लड प्रेशर हाई जो से का इंडिया फिर जुपिटर चला गया ठीक है जो भी चीजें हैं ग्लोबल इमेज इनहेंसमेंट दैट विल हैपन इंडिया विल बी रेस्पॉन्सिबल कंट्री ये कहा जाएगा दैट्स इट क्लियर स्टूडेंट्स तो साउथ एशिया में देखिए साउथ एशिया सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रैंक लेकिन सबसे लंबा स्ट्रेच मैंग्रोव का सुंदरबन से इसे याद रखिए लंबा स्ट्रेच इंडिया होल्ड in थ्री परसेंट ऑफ साउथ एशिया मैंग्रोव पॉपुलेशन क्योंकि द रिमेनिंग स्ट्रेच इज हेल्ड इन बांग्लादेश इंडिया में टॉप थ्री वेस्ट बंगाल गुजरात अंडमान निकोबार आपको पता है होगा ये अंडमान निकोबार यूटी इवन इन स्पाइट ऑफ दैट इन स्पाइट ऑफ दैट, इट्स ऑन द थर्ड पोजिशन और देखिए कुछ रीजन्स uh, दिए हुए हैं सुंदरबन सुना होगा नाम कच्छ डिस्ट्रिक्ट सुना होगा आपने जामनगर डिस्ट्रिक्ट लिख लीजिएगा जामनगर डिस्ट्रिक्ट भी मैंग्रोव के लिए फेमस है लिख लीजिएगा जामनगर कहां पर है मुझे पता था कि रिलायंस के आसपास पास है नहीं ठीक है चलिए तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स आई सपोज क्यों मिस्टी लॉन्च किया गया समझ में आ गया आपको तो मिस्टी का फुल फॉर्म देख लीजिएगा नहीं तो मिस्टी खाने को नहीं मिलेगा फाइनल रिजल्ट के बाद ठीक है आइए देखा जाए ये देखिए उसी रिपोर्ट में आया है कितना अच्छा फ्लोचार्ट ये तो बनाते हैं अगर ये फ्लोचार्ट हम लोग बना दें यूपीएससी के एग्जाम में ध्वस्त हो जाएंगे रिकॉर्ड्स ये लिखा हुआ है कैसे इको सिस्टम कोलैप्स करता है मैं ये अटैच करने वाला हूं आपके पीडीएफ में हाउ डज इको सिस्टम कोलैप्स आर द रिस्क फैक्टर्स गेटिंग पॉइंट एनी टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट फैक्टर्सोटिकल दिस इज थ्रेटनिंग प्रोसेस ये देखिए ये चार ये पांच प्रोसेस देखिए दिए गए हैं देख लीजिए आइए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस जीएस पेपर बटू का टॉपिक इंडिया का फार्मा सेक्टर न्यूज में लगातार बनने की होड़ में ठीक है पहले कप सिरप और अब आंख में डालने वाली दवाइयां अब देखा लुब्रिकेंट आई आते हैं रिफ्रेश रिफ्रेशर्स या कुछ ऐसे आते हैं ना ठीक है, है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं गए आंख में दर्द हो रहा है सर ठीक है आंख में पेन हो रहा है तो ये ले लो ठीक है उसके बाद कभी कभी ऐसे ही गए दिखाने के लिए पेरेंट्स को मैं गया था ठीक है तो बच्चे को भी दिखाने गए थे पेरेंट्स को भी दिखाने गए डॉक्टर से कहे कि सर कुछ आई ड्रॉप दे दीजिए उन्होंने क्यों ऐसे तो ही सर दे दीजिए सर आँख इतना ज्यादा दिस स्क्रीन टाइम है बोले इफ यू हैव नॉट एनी आई ड्रॉप टिल नाउ नाउ डोंट यूज इट हैक यूर सेल्फ डिपेंड अपॉन आई ड्रॉप वाटर इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ आई ड्रॉप गेटिंग पॉइंट क्लीन वाटर एंड आई वॉज टर्म बाई स्टेटमेंट आई सपोज ही वॉज राइट आज की तारीख में केवल एक आदत हो गई है कि नहीं अस्पताल जाना तो एक दवा तो लेकर आया है ठीक है और आंख में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर भी दर्द हो रहा है थोड़ा तो सा हेड एक है दवा डाल लेंगे ठीक हो जाएंगे गए रिफ्रेश लेते आए ठीक है तो वही देखिए आज की तारीख में लुब्रिकेंट आई आईड्रॉप है बहुत मार्केट में प्रचलन बढ़ गया क्योंकि जब से स्क्रीन टाइम बढ़ा है सब कोई दवा की दुकान पर जाकर आंख की दवा वही लुब्रिकेंट की कहानी है ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स हेल्थ केयर यूएस में कुछ गए थे मेडिसिन यहां से यूएस ने कहा है पचास से साठ लोग ब्लाइंड हो गए हैं डालने के बाद या एक की डेथ हो गई सेप्टीसीमिया से उसके अंदर वायरस था उस आई ड्रॉप के अंदर या परमानेंट इंजरी हो गया है ब्रेन में इज दिस प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम स्टूडेंट फॉर इंडिया फार्मा सेक्टर आई डोंट नो इज द न्यूज इज ट्रू और फॉल्स बट यस इंडिया का फार्मा सेक्टर बहुत फेमस था शुरू से यूएस के एलिजेशन एलिजेशन शुरू शुरू से लग रहे थे दैट इतना सस्ते में दवा कैसे बनती है यहां पर लेकिन हाँ इंडिया में थोड़ा क्वालिटी चेक्स में परेशानी है ये तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा डू यू एग्री मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको जब बुखार लगता है फीवर लगता है तो आप जाकर क्या लेते हैं दवा में मुझे ब्रांड बताइएगा पैरास्टेमोल इज दिन डिस्प्रिन यही लेते हैं और कुछ नहीं एक दवा आया था न्यूज में कौन सा दवा न्यूज में आया था 650 वाला 500 की जगह पे 650 सो पचास एम जी आपने डोलो सिक्स फिफ्टी लगे थे क्यों पांच सौ तो इंडिया में उस पर कैप है प्राइस पर भारत सरकार की तरफ से इससे ऊपर दाम नहीं रहेगा 500 के ऊपर का बनाते हैं तो कोई कैप ही नहीं है बात समझ में आ रही है कोई प्राइस सीलिंग नहीं है देख रहे हैं बुद्धि सब पैसा कमाने का खेला है इस संसार में डोलो 650 के ऊपर केस चल रहा है अभी कमेटी ने दे दिया है रिकमेंडेशन की इन 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 लोगों ने किकबैक्स दिए थे इवन एमआर मे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को, को ये डॉक्टर को जाकर कहिए 650 एमजी 650 एमजी डॉक्टर को पैसा भी मिलेगा 500 एमजी नहीं बात समझ में आ रही है तो मुझे बताइए स्टूडेंट्स दैट डोंट uh, मैं एग्जांपल दे रहा हूं क्योंकि बाहर आप जाइएगा बाहर के देशों में पैरिस्टेमोल फिफ्टी एमजी हंड्रेड एमजी इन जापान इन इन यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया इन यूएसए यूएसएड एमजी मर नहीं गया ना कहीं देखो तो ठीक है क्योंकि पोटेंसी कम है इंडियन मेड मेडिसिन की बात समझ में आ रही है तो इंडिया के फार्मा सेक्टर पे ये न्यूज है स्टूडेंट्स देखिए तेजी से बढ़ता है अच्छी बात है लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं फील्ड में क्वालिटी चेक एक चैलेंज है पॉइंट एंड यस वी आवर फार्मा सेक्टर इज सम वेरी वेरी परसेंटर्ड एज कम्पेयर टू द्लोबल चलिए आगे बढ़ जाए अब इस पर कोई यह ना बोल दे कि दिस फिफ्टी एम जी हंड्रेड एम जी सर खाना है तो सर आप बाहर चले जाइए आप यहां क्यों कह रहे हैं इस जगह की देखिये गलती है खामी है तो खामी है ठीक है इसे ठीक करना पड़ेगा फार्मा सेक्टर को आई होप यूग्री मी बिकॉज बाहर में मालूम चल जा रहा है ये चीज लेकिन इंडिया में शायद ऐसे चीज़ें होती होंगी बट इट्स तो कोई पूछता भी नहीं ना है कौन सा बुढ़ापा होता है अब देखा होगा पचास साल की उम्र में खांसी था बहुत दिन से मर गए अरे तो चेक क्यों नहीं हुआ गांव में डेथ अनरिकॉर्डेड एंड अनरिपोर्टेड जाते हैं डू यू एग्री मी जब गांव में जाकर रिपोर्टिंग की गई पहले ट्यूबर क्लॉसिस की आज से चार साल पहले महाराष्ट्र में टू पीपल फाउंड टू थाउंड इन साइड द लंग्स वॉट इज दूज अमाउंट साइलेंट किलर आइए आगे, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट न्यूज ये देखिए इंडिया जॉइंस यूएई फ्रांस फॉर ट्राइलेटरल ऑन क्लीन एनर्जी एंड काउंटर पैंडमिक स्टेप्स डज इट सिग्निफाई डिफाई इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप रिलेशन कमिंग अपनिंग्रॉम इंडिया टूवर्ड्स यूरोप देखिए बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स अभी तक मोदी जी या प्रेजेंट गवर्नमेंट यह कहती थी थिंक वेस्ट पॉलिसी थिंक वेस्ट वेस्टर्न कंट्रीज वेस्ट एशियन कंट्रीज से दोस्ती करनी है दोस्ती करनी है वहीं पर एंड था अब वो मीनस हो गए आगे बढ़ने के लिए आप भैया दीजिए आई टू यू टू यू टू आई टू सुना है आपने टर्मी क्या है ये ग्रुप इंडिया इसराइल यू आई यूएसए अगेन यू आई कम्स अप इंडिया यू आई फ्रांस मैंग्रोव अलायंस इंडिया यू ए आप देख रहे हैं चीज यू एज टर्निंग आउट टू बी इंडिया का इक्का इन इंटरनेशनल रिलेशन एट प्रेजेंट एंड यू एज ऑल्सो टर्निंग दैट आई कैन मीडियट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान रिलेशन वो कर नहीं पाएगा साइड किया गया उसे ठीक है ज्यादा देखिए जब मोटिवेट होता है ना इंसान तो बोलता है कि मैं यहां से पूछ जाऊंगा ठीक है या यूपीएससी में क्वालिफाई कर अब तो जाकर मसूरी में भी रैंक वन फिर यूएन में जाकर रैंक वन ठीक है जुपिटर में जाकर रैंक वन बाद मसूरी में गए थक हार गए ठीक है चार साल तैयारी कर रहे थे नहीं चलिए आगे बढ़ा जाए स्टूडेंट्स सो दिस इज ट्राई दैट इनिशिएटिव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से कहा लिंक कीजिए क्लीन एनर्जी काउंटर पैंडेमिक एंड यू के ऊपर जरूर से फोकस इस बार मीन में यू मैं बता दूं आपको स्पेसिफिक कंट्री के रूप में आने वाला है क्या बात है इसलिए पढ़िए ठीक है चेंज जियो पॉलिटिक्स मेकिंग इंडिया मोर सेंट्रल टू अ ग्लोबल रूट बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल लाइव मिनट का ये आर्टिकल कहीं नहीं मिलेगा आपको क्यों आर्टिकल क्यों इंपॉर्टेंट है मुझे बताइए क्यों कहा जा रहा है ग्लोबल ऑयल रूट में अब इंडिया का रोल सेंट्रल हो गया है अभी तक हम लोगों ने देखा था कि लोकेशन वाइज बहुत इंपॉर्टेंस होता है क्रूड ऑयल का कहां कहां स्ट्रेटेजिक पॉइंट है क्रूड ऑयल के पैसेज को लेकर मुझे बताया जाए सुनाल वेरी इंपॉर्टेंट और कहां पर कुछ स्टेट से नाम बताइए भाई बताइए स्टेट ऑफ मलक्का उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अरे पश्चिम एशिया की तरफ चलिए भाई स्टेट ऑफ यस ऑफ कर रहे हैं उसके अलावा अगर आप आगे बढ़िएगा स्टेट ऑफ मलक्का के जस्ट साउथ में सुंदर स्ट्रेट सुना होगा आपने एंड लोम्बोक uh, स्ट्रेट जावा और बाली आइलैंड के बीच में वहां लोम्बोक आइलैंड से वहीं पर सो आर दिस चोक पॉइंट्स टेल मी लोकेशन वाइज दे वर इंपॉर्टेंट रूट्स एन दर इंपॉर्टेंट प्लेसेस एन रूट ऑयल शिपमेंट्स मुझे बताइए तब इंडिया का नाम क्यों आ गया रिफाइनेस यस रिफाइनेस की वजह से कैसे बहुत सटीक जवाब यही आंसर एक्सपेक्टेड था मैं बता दूं आपको यही लिखा हुआ लाइव मिनट में इन द कमिंग डेज योर जोग्राफिकल पोजिशन विल नॉट मैटर एट ऑल

ज्योग्राफिकल पोजिशन निश इज अ फंक्शनल पोजिशन इंडिया इज इन फंक्शनल पोजिशन सेंट्रल पोजिशन एट प्रेजेंट और यह रशिया यूक्रेन ने इंडिया को प्रोमोट कर दिया है यह देखिए यहां पर इमेज देखिए दिया हुआ है रिफाइनरी का देखिए यह दिखा रहा है कि इंडियन रिफाइनरीज नहीं विल बी देंटर पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड इतना चीप ऑयल रिफाइन कर रही है जित मींस परसेंट डाउन कटिंग यूरोपियन यूनियन से कंपैरिजन में इज दिस ह्यूज टेल मी स्टूडेंट्स लेकिन हमारे रिफाइनरीज में एक कमी है क्या कमी है मुझे बताइए कौन सा हाई क्वालिटी क्रूड का मतलब क्या होता है स्वीट क्रूड उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है सल्फर इज नॉट प्रेजेंट उसे रिफाइन नहीं कर सकती हमारी रिफाइनरीज आर मेड फॉर वेस्ट एशियन क्रूड दुबई ओमान क्रूड पॉइंट दिस इज वाई ब्रेंट क्रूड से रिफाइंड सारे जितने प्रोडक्ट हैं वो कॉस्टली मिलते हैं क्योंकि हमारे यहाँ रिफाइनिंग नहीं होती है इसीलिए आप शेल के पेट्रोल पंप पर जाइएगा पुणे में दस से पंद्रह टके पेट्रोल महंगा मिलता है आपने देखा है शेल रॉयल डच शेल एक कंपनी है नीदरलैंड की सबसे बड़ी कंपनी थी होल्डिंग कंपनी थी सबसे पहली होल्डिंग कंपनी थी वर्ल्ड की मेड ऑफ मेनी स्मॉल कंपनीज़ रॉयल डच शेल इट्स इट्स इन इन भूगांव सारे आउटस्कर्ट्स में है ये और एक रुपए पेट्रोल है बाकी पेट्रोल पंप्स पर एक रुपए तो वहां एक रुपए एक रुपए क्यों सल्फरलेस क्रूड ऑयल आप बोलिए सर क्या वो तेल डलवाना चाहिए कार में या बाइक में मैंने दो तीन बार पुट करवाया था गाड़ी का माइलेज और कम हो गया तो मुझे एहसास हुआ कि हम लोग बने ही इंप्यूरिटी वाले क्रूड के लिए ठीक है तो मैंने वहां से पेट्रोल इट वॉज फिनिशिंग ऑफ वेरी फास्ट ठीक है शायद इंजन में आपकी मॉडिफिकेशन चाहिए उसको देने के लिए तो इसलिए फिर इस यही वजह है कि उसकी बिक्री भी कम होती है इंडिया में आइए आगे बढ़ जाए स्टूडेंट्स लेट्स सी सो इज दिस क्लियर टेल मी ये दिस मेक्स क्रूड ऑयल में इंडिया इज बिकमिंग अ अ इमर्जिंग इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द कमिंग डेज इंडियन इकोमी में बड़े न्यू स्टूडेंट्स गवर्नमेंट प्लान स्ट्रेटजिक गैस रिजर्व स्ट्रेटजिक स्ट्रेटजिक ऑयल ऑयल आर ऑलरेडी विद इंडिया व्हाट ऑफ टेल मी मुझे बताइए बफर स्टॉक बफर बफर कहां कहां पर है मुझे बताइए तीन प्लेसेस हैं इंडिया में जहां पर है अभी बफर स्टॉक का बड़ा सा मीन्स एरिया विशाखापट्टनम वाइजैक एग्रीड सेकंड ंगलोर एंड थर्ड पदूर पी डी यू आर ये भी कर्नाटका में मैंगलोर पदुर इन कर्नाटका एंड विशाखापटनम इन आंध्रा तो बस ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है दैट स्टोरेज रिजर्वर्स क्या ये इंडिया की ऑयल सिक्योरिटी के लिए रहेगा मीन हाइड्रोकार्बन सिक्योरिटी के लिए इंडिया गैस इकोनॉमी गैस बेस्ड इकोनॉमी बनने वाला है यहां लिखा हुआ करंटली इंडियाज फाइव एलएनजी टर्मिनल्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल्स एट दहेज हाजीरा दबोल कोची एंड एनोर लिख लीजिएगा ये सब के सब प्लेसेस या तो गुजरात में है या साउथ इंडिया में देखिए यहां पर डीएएचजे ये पोर्ट है गुजरात का हाजीरा पोर्ट है गुजरात का डीएबीएचओएल कोची एंड एनोर एनोर कहां का सीपोर्ट है मुझे बताइए चेन्नई के ऊपर एनोर द फर्स्ट कॉर्पोरेट सी पोर्ट ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर दाबोल या दाबोल सी पोर्ट इज इन महाराष्ट्र गुजरात महाराष्ट्र एंड कर्नाटक सॉरी uh, केरल एंड तमिलनाडु मार्क कर लीजिएगा यहीं पर इंडिया गैस रिलने की बात कर रहा है मैं बता दू हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन हजीरा विजयपुर जगदीशपुर विजयपुर मध्य प्रदेश में है और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में है सबसे बड़ा गैस पाइपलाइन है इंडिया का ठीक है इसे देख लीजिएगा एच पाइपलाइन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट एल एनजी इंपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड इट इम्पोर्ट एटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स एनर्जी नीड्स लिख लीजिएगा और इंडिया दो और टर्मिनल बनाने वाला है एल एनजी का एक हल्दिया में और एक पाराद्वीप में हल्दिया कहां पर है और पाराद्वीप ओडिशा लिख लीजिएगा तो इन पांच जगहों के अलावा और दो जगह पे बनने वाला है ठीक है आइए आगे, आगे बढ़ जाए अंतिम न्यूज कल और परसों करंट अफेयर्स का कर देखिए स्टूडेंट्स। व्हाट मेड द अदानी ग्रुप कॉल ऑफ इट्स ऑन पब्लिक ऑफर एफपीओ सुना है आपने एफपीओ का मतलब दोबारा पैसा उठाना मार्केट से अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट्स के लिए क्या अभी जारी किया गया था एफपीओ या आईपीओ जब भी जारी होता है तीन ग्रुप्स में जारी होता है एक रिटेल इन्वेस्टर्स एक एच एन आई हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स जो अमीर लोग हैं और एक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स और जब इन्वेस्ट करती हैं बात समझ में आ रही है तो सबका अलग अलग कोटा होता है और ये कंपनीज एक चौथा कैटेगरी भी रखती हैं द एम्प्लॉज कैटेगरी चार कैटेगरीज में लॉन्च किया था इसने एफ वापस ले लिया क्या रीजन है क्यों वापस लिया गया आपको पता है कंपनी का भी मैं बता दूं आज न्यूज है अदानी ग्रुप का ट ये अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एयरपोर्ट्स पुश को वापस दे रहा है पूछा गया क्यों वापस दे रहे हैं भाई क्यों एयरपोर्ट्स नहीं बना रहे हैं आप इन्होंने कहा कि अभी लोन वापस कर दिया जाए क्योंकि लोन के कारण ही मार्केट ध्वस्त हुआ है मेरा पहले लोन वापस करेंगे तब आगे बढ़ेंगे कितने का एक्सपोजर है एस में सत्ताईस हजार करोड़ का एल में कुछ तीस हजार करोड़ का कुछ आसपास ऐसे ही है एक्सपोजर ह्यूज है एस बी आई एल आई सी कुछ नहीं होगा लेकिन जो छोटे मोटे बैंक है जिनका आधे का ऊपर बिजनेस इन्हीं पे बेस्ड है चले जाएंगे ऑफ प्रोजेक्ट आप पहले लोन वापस कीजिए तब आगे बढ़िए बात समझ में आ रही टर्मिंग स्टूडेंट्स तो आज का न्यूज है इन्होंने कहा है कि हम एयरपोर्ट्स को जो बना रहे थे थोड़ा प्रोजेक्ट डिलेड रहेगा पहले पैसा वापस करेंगे शायद ये मार्केट में जो खराब सेंटीमेंट्स हुए हैं कंपनी के को लेकर उसको वापस ठीक करने की कोशिश में कर रहे हैं इसलिए क्यों लिया गया बिकॉज मार्केट सेंटीमेंट्स एंड लोन्स आर कंप्लीटली नोन दैट कितना कितना एक्सपोजर कौन से बैंक का है इनको सबको आउट करना पड़ा पब्लिक में नहीं तो उनके शेयर्स गिर जाते हैं बैलेंस शीट प्रॉब्लम एस को आउट करना पड़ा कल, कल अभी कुछ करोड़ का ठीक है जो एक्सपेक्टेड फोर्टीन थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट हुआ है इट्स मोर देन वॉज एक्सपेक्टेड और इसीलिए स्टूडेंट इसी, इसी वजह से जिस uh, दिस एस बी आई अभी शेयर प्राइस आज बढ़ने वाला था लेकिन अदानी का एक्सपोजर के कारण ऊपर नीचे ऊपर नीचे शेयर चल रहा है अभी ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कहते हैं ना अगर नहीं वापस नहीं किया वजह से इन्होंने कहा है कि हम पहले पैसा वापस करेंगे मार्केट सेटलमेंट ठीक करेंगे लगेगा एक साल दो साल ठीक होने में कंपनी जब देखिए बनाने में लगते हैं बीसों साल बिगड़ने में लगता है एक सेकेंड सब कुछ यही है कहानी इस कंपनी की वापसी करने में लगेगा इनको कम से कम दो से पांच साल वापस अपना मार्केट सेंटीमेंट ठीक करने में क्योंकि हो गया नेटवर्क अच्छा खासा शेयर मार्केट में सेशन ठीक है ये सैटरडे और संडे का करंट अफेयर्स था स्टूडेंट्स इसी के साथ टॉपर्स मंत्रालय की तरफ से मैं इजाजत लेता हूं धन्यवाद नमस्कार जय हिंद एंड आई पुट द पीडीएफ अपॉन द ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप प्लीज कम एंड टेक इट फ्रॉम द टेलीग्राम ग्रुप और अभी सक्षम कोर्स का दो से तीन घंटे क्लास है ठीक है इसके